हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग होने वाला है उसमें मैं आपको पुराना घर जो है अपना उसका थोड़ा अंदर का दिखाने वाली हूँ कि कैसा था हमारा पुराना घर। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, अब लोग कोई भी नहीं रहते, बस वो शादी है तो थोड़ा यहाँ का स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपना किचन वगैरह यहाँ शिफ्ट किया है और शादी यहाँ से होने वाली है इसलिए सब कुछ अब यहीं पर शिफ्टेड है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि कैसा सा दिखता है हमारा पुराना घर। सबसे पहले मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ ये है हमारा रसोई घर, या रसोई बोलते हैं दीदी हमारे इसको, हाँ रसोई। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हा जिसका हम यहाँ सर्दियों में पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, जो भी है उठा रहे हैं। इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, लुत्फ होता है लुफ्त होता है लुफ्त, आपको भी कंफ्यूजन है। हाँ तो लुत्फ उठा रही हूँ मैं इसका। और यहाँ से बाहर जाके मैं आप लोगों को कमरे दिखाती हूँ कैसे कैसे यहाँ पे और रूम्स हैं। टू रूम्स हैं यहाँ पे और एक मतलब दो साइड को वो है कुछ छोटी सी गैलरी सी, हमारे उनको बोलते हैं पौंडा है, पौंडा है तो दो पौंडे हैं और दो कमरे हैं। अभी बचपन की यादें मैं ताज़ा कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो सीट हुआ करती थी जहाँ मैं अभी बैठी, यहाँ पे दादी बैठते थे और दादी किसी को आने नहीं देते थे यहाँ पे, और धुआं भी लगता था उनको पर हिलते नहीं थे वो यहाँ से। बस हम जब बच्चे बच्चे आते थे तो उनके आगे थोड़ा डगमगा जाते थे वो, नहीं तो वो हिलते भी नहीं थे। और हम लोग बहुत कज़न्स थे तो मतलब ऐसा है कि होता ही था हमारा लड़ाई झगड़ा होता था। यहाँ पे है मेरे साथ शालू दीदी, इनका व्लॉग मैं पहले बना चुकी हूँ। अच्छा मैं आपको बाहर का कमरा दिखाती हूँ। ये है हमारा दूसरा रूम ना, यहाँ रूम यहाँ पे। अच्छा ये वाला वो रूम है जो जैसे ही हम यहाँ किचन से बाहर निकलते हैं तो ये रूम आता है। यहाँ पर पहले अंगीठी हुआ करती थी, वो दूसरी होती ना बंद वाली अंगीठी वो होती थी। ये देखो यहाँ पर उसका छेद भी उसकी पाइप के लिए, यहाँ से उसकी पाइप ऊपर जाती थी, यहाँ अंगीठी हुआ करती थी और सब लोग यहाँ बैठते थे। वो टाइम कुछ और हुआ करता था, मतलब सब लोग यहाँ बैठ के गप्पे मारते थे, एकदम बढ़िया रहता था वैसे। और वो दुल्हन बर्तन धो रही है वहाँ पे, आ रही हूँ मैं। ये है एक पौंडा, पौंडा मतलब जो मैं आपको बोल रही थी कि हमारे थोड़ा होता है ऐसे कॉरिडोर काइंड ऑफ थिंग, तो वो है यहाँ पे हमारे पौंडा। और ये है जी दूसरा कमरा जहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने संदूक वगैरह, ये सब कुछ पुराना है यहाँ पे, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ। पूरा लकड़ी का घर, लकड़ी का ही घर है ये। अब आपको दूसरी तरफ का पौंडा दिखाती हूँ मैं आपको, और ये दिखाती हूँ। ये जो है ना ये जो दीवार बनी है इसकी, ये पूरी वैसे बनी होती है, मिट्टी को कूट कूट के बनाई होती है, जैसे मिट्टी कूटते हैं उसी से ये दीवार बनी हुई है। दूसरी साइड का पौंडा दिखाती हूँ, ये देखो जब हम छोटे थे ना तो ये वाला भी एक कमरा हुआ करता था। ये अभी ताऊ जी ने रेनोवेट करवाया, ये एक बाथरूम था, इस साइड को ये बाथरूम होता था जहाँ पे ये है देखो इधर तक इतना एरिया बाथरूम था। अब तो यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है आटा पीसने की। और ये आप यहाँ फ्लोर देख सकते हैं पूरा मिट्टी का है, ये संदूक है पुरानी। ये वाला पौंड अभी अभी बना है, पहले ये बंद हुआ करता था, ऐसे खुला नहीं था, ये बंद था पूरा। और ये जो है ये पीछे दो कमरे, ये ताऊ जी ने नए कमरे बनाए हुए हैं यहाँ पे, मक्की सूखने को डाली है। जैसे मैंने आपको पुराने व्लॉग में भी दिखाया था कि ये मक्की जो है इसका आटा बनेगा बाद में और कॉल भी बनेगा। ठीक है फिर अब मैं जाती हूँ, काम है मेरे को। नमस्ते मासी जी, हैप्पी तो हमारी अभी सब्जी बन चुकी है और अब हम चपाती तैयार कर रहे हैं, बस तवा थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग चूल्हे पे, मतलब बनी हुई चपाती का ना टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है। चपाती क्या सब कुछ में आए तो ऐसा मानती हूँ। अभी हम बनाएंगे फटाफट से चपाती, बहुत सारे लोग हैं खाना खाने वाले।
अब हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारा खाना बन के तैयार हो गया, अब ये खा रहे हैं। इसके बाद बुरी हालत हो चुकी है, बना के फ्री हो गए हैं और खुद खाना खाने जा रहे हैं। अब जा कर रहे हैं मतलब खाना खा। दीदी मेरे लिए निकाल ली है सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी है और चपाती मेरी बनाई हुई है चूल्हे वाली, जो आती नहीं है वैसे मुझे बनानी, पर चलो कभी कभी हो जाता है ना, फिर सीखते ऐसे सीखते काम। दीदी अब बाबू बाबा से ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे खाना खाने के लिए जो क्या बोलते हैं इसको, पर टाट जो मंजरी मतलब जो बैठने के लिए बिछाया जाता है, जब खाना खाने बैठते हैं, जब हमारे धाम के लिए बिठाते हैं, वो बना रहे हैं ये लोग, उसको सिल रहे हैं। नॉर्मल सिलाई तो माननी होती है इसमें, है ना, और है सुई, मैं भी सिल देती हूँ, तय करो मैं मुआज। मैं पहले आप लोगों को ढूंढती हूँ, पिछली साइड गई परली तरफ, पहले आप लोगों को ढूंढती हूँ परली तरफ गई मैं, मैं थी वक्त बैठी थी। मैं वापस आ गई थी अपने घर और अभी रात का खाना मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि मेरी कजन्स वगैरह अभी वगैरह शिमला चले गए थे, मुझे थोड़ा सा काम था यहाँ करते, तो मैं घर आ गई और अभी खाना बना रही हूँ, मतलब रात का डिनर। आज के व्लॉग में जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया, अगर वो आपको पसंद आए और मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, थैंक्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।